लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्लासिक के अंदर। अभी हम क्लासिक की बैक सीट पर इसके ग्लास को रखेंगे, पानी लेवल सेम है, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये डिफरेंस है, विदाउट आरपीएम विदाउट रेस दिए हुए गाड़ी का जो पानी का ग्लास रखा हुआ था वो अपनी जगह से हटके दूसरी जगह आ गया है वाइब्रेट टू वाइब्रेट होने के कारण। अगर हम इस गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं या इसके आरपीएम को बढ़ाते हैं तो आप देखना डैमो क्या होगा, मतलब वाइब्रेशन किस तरीके की होगी इसमें। ग्लास गिर जाने दो यार इसे। दोस्तों आपने भी देखा क्लासिक 350 की पीछे वाली सीट पे हमने भरा हुआ पानी का ग्लास रखा तो गिरने से पहले हमने उसको पकड़ लिया, वाइब्रेशन इतनी हुई अकॉर्डिंग टू 2000 आरपीएम, मात्र 1 से 2000 आरपीएम के बीच में ही ग्लास गिरने लगा। राइडर सीट पे उस ग्लास को रखेंगे हम, पानी लेवल सेम है। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आप देखेंगे गाड़ी की वाइब्रेशन की वजह से ग्लास के अंदर भरा हुआ पानी जो है वो भी बाहर की तरफ आ रहा है लग रहा है। और अगर आप देखते हैं धीरे धीरे अगर हम इस गाड़ी की आरपीएम को बढ़ाएंगे रेस को बढ़ाएंगे तो देखना मतलब वाइब्रेशन के कारण पानी की छींटे पानी की बूंदें ग्लास से बाहर आ रही हैं। हमिंग कहेंगे। दोस्तों अपनी क्लासिक 350 में हम वाइब्रेशन का डैमो ले रहे थे तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कितने हद तक 2000 आरपीएम में इसके अंदर कितनी वाइब्रेशन है। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, एक पानी का गिलास उसका पानी ऑटोमेटिकली अपना आप ही बाहर आ छलकने लगेगा। अभी अगर गाड़ी के आरपीएम को हम 1000 से 2000 के बीच में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे पानी का भरा गिलास धीरे धीरे वाइब्रेशन के कारण नीचे गिर जाएगा। तो आप अब समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे दो ग्लास हैं, उन दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है और मैंने रख दिया है होंडा हाइनेस की फ्रंट सीट पे और यहाँ पर रियर सीट पे, तो आप जैसे देख सकते हैं। तो चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका वाइब्रेशन। और अभी जो बाइक है हमारी पूरी मेन स्टैंड पे लगी हुई है और जो दोनों टायर्स हैं बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है बाइक। तो चलिए बाइक के इंजन को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका जो इंजन है वो कितना स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू मीटियोर 350 हमें कितना वाइब्रेशन देखने को मिलता है इसके अंदर। तो चलिए इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया है और ये हमारा आइडल मोड पर है बाइक। और यहाँ पे आप ग्लास देखिए उसकी जो वाइब्रेशन है आपको इसमें फील हो जाएगा यहाँ पे हमें कितना देखने को मिलता है। तो अभी जो यहाँ पे ग्लास है वो मूव नहीं हुआ है, ना ही हमें इतना ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिला है। जैसा हमें फ्रंट में देखने को मिलता है वैसे ही हमें रियर सीट में देखने को अप्रोक्स मिलता है, पर थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है अभी हम करते हैं बाइक को थोड़ा सा रेव और इसे ले आते हैं हम 2000 से लेके 4000 आरपीएम तक और फिर देखते हैं ग्लास जो है मूव करता है नहीं करता है। तो जैसा आप देख सकते हैं ग्लास की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं है और जो वाइब्रेशन है वो अभी हमें इतने फील नहीं हुए हैं जितने हमें मीटियोर में देखने को मिलते थे और कह सकें हम क्लासिक में तो बहुत ज़्यादा थे। और मैं ये बाइक के जो आरपीएम है उसको 6000 तक ले जाता हूँ मतलब फुल। अभी हमें जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं है और जिसमें ग्लास है वो मूव नहीं करा है और हम कह सकते हैं वाइब्रेशन बहुत कम है इस बाइक के अंदर। और एक मैं दोबारा से इसको फुल आरपीएम तक ले आता हूँ बाइक को कर दूँ। तो हमें इसके सीट में जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पर हम इसके सीट्स की तो सीट में आपको फ्रंट और रियर में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, इतना कम कि आपको कोई भी 350 सिंगल सेंटर बाइक में नहीं देखने को मिलेगा, इतना कम इसमें फ्रंट में है। और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होगी आपकी लॉन्ग राइड के लिए।